भाविश बिली हियर और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया की टॉप 10 पबजी मोबाइल टीम्स ऑफ ईयर 2020। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो गाइस, प्लीज़ किसी टीम को हेट मत पहुंचाना, कमेंट सेक्शन में हर टीम के बारे में अच्छा बोलना, और बस इतना ही बोलूँगा, लेट्स बिगिन। 10th नंबर पर आती है हमारी टीम सोल, जो कि एक फैन फेवरेट टीम है। टीम सोल पर एक अलग प्रेशर भी होता है फैंस का, बट टीम सोल कभी निराश नहीं करती। बट 2020 में टीम सोल का कुछ इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। टीम सोल ने PMPL में 4 चिकन डिनर तो लिए, बट वो इतने कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे थे। टीम सोल हमेशा लाइक फर्स्ट सेकेंड एलिमिनेट हो रही थी, सो टीम सोल का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं। अब किल्स पे कैपिटलाइज करने की अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, मॉडल यहाँ पे फाइट लेने की कोशिश, एक प्लेयर को नॉकडाउन किया, दूसरे प्लेयर को भी यहाँ पे गोलियां पड़ती हुई, एंड मॉडल जस्ट गेट्स दो स्किल्स बट नॉकडाउन भी हो जाएंगे। और ब्लू जोन यहाँ पे क्लोज इन हो रहा है, एलिमेंट्रिक्स थर्ड पे एग्जिट करती है, PSG क्रॉलर सेकंड पे, एंड दैट मींस कि चिकन डिनर यहाँ पे जाता है टीम सोल। तो गाइस 9th पर आती है हमारी मार्कोस गेमिंग एक ऐसी टीम है जिसका गन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गन पावर वाली टीम है मार्कोस गेमिंग, बट 2020 में इनका परफॉर्मेंस तो अच्छा था, बट इतना अच्छा नहीं था कि ये PMPL वर्ल्ड लीग के लिए क्वालिफाई कर पाए। इन्होंने 2 चिकन डिनर लिए थे PMPL में। लेट्स सी फ्यूचर में मार्कोस गेमिंग कैसा परफॉर्म करती है। सो ऑल द बेस्ट देम फॉर फ्यूचर। यहाँ पे दलजीत ने इंसेंटिव वाइपर को नॉकआउट करके गेम से बाहर करने की कोशिश करी है, बट जेड के गॉड बड़े चला गए, वो किसी और नॉकआउट को अपने नजर कर लिया एंड वाइपर की किल ले लिया है। बचे अकेले नमन माथुर मॉर्टल और वो क्या सोल को आगे पहुंचा पाएंगे। बट मीनवाइल क्रेटोस एक और बार नॉकआउट हो चुके हैं। ZDD क्लैन भी इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े स्लम के बाद ये जो 0° क्लैन है एक बहुत बड़ा कमबैक करने वाली है। यहाँ पर क्रेटोस नॉकआउट पड़े हैं, ट्रांस उसको रिफैक्ट दे रहे, तो दलजीत अकेले बंदा जो यहां पर 0° सो गाइज 8th पर आती है हमारी टीम IND। टीम IND हमारी सबसे वेटरन टीम है, जो सबसे पुरानी टीम है, और IND की सबसे खासियत ये है कि ये टीम सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट टीम है। लाइक ये हर मैच में टॉप 3 तो हमेशा रहती ही है। दिस इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम ऑफ आवर इंडिया। सो टीम IND ने PMPL वर्ल्ड लीग के लिए भी क्वालिफाई कर दिया है। टीम IND से हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ये वर्ल्ड लीग में अच्छा परफॉर्म करे। सो लेट्स सी, क्या एक्सपेक्टेशंस है प्रो लीग से आपकी? दिस इज एक्चुअली द बिगेस्ट थिंग इन द इंडिया अभी तक पबजी के वर्ल्ड में। एवरी टीम हैज़ टू बी रियली कंसिस्टेंट इफ दे वांट टू बी इन द टॉप टेबल। लाइक इफ यू हैव अ 1 गुड वीक, यू हैव टू मेक श्योर द सेकंड वीक इज बेटर देन योर फर्स्ट वीक। वी ऑल नो दैट। ट्रांसपोर्ट कर चुके, एक प्लेयर को डाउन किया, आखिरी अगला प्लेयर MCZ का बचता है, फिनिश भी करना चाहेंगे, एंड आखिरी प्लेयर हील बैटल कर सकता है अगर किल ना देना चाहे। एंटिटी फिनिश होती है, एक प्लेयर सर्कल के बाहर, IND पहले चिकन डिनर की तरफ बढ़ती हुई, मैक्स कैश बचे हैं, ही इज आउट टू दैट हील बैटल, एंड चारों प्लेयर्स आप देख सकते हैं बाहर आ चुके हैं। 7th पर जो टीम आती है वो है टीम फैनेटिक। टीम फैनेटिक को कौन नहीं जानता गाइस, दे हैव द बेस्ट रोस्टर। अकॉर्डिंग टू मी उनका रोस्टर सबसे बेस्ट है। उनके पास एक अच्छा कोच है, स्काउट, ओवेस, रौनक, ऐश, निंजा जैसे प्लेयर्स है, बट 2020 में उनका मैजिक इतना चल नहीं पाया। 2020 में एक्चुअली वो लोग वर्ल्ड लीग के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो लोग प्रो लीग के फाइनल्स में 8th आए। सो नथिंग टू वरी अबाउट इट, मुझे पूरा विश्वास है कि ये टीम आगे अच्छा करेगी। सो लेट्स सी देम इन द फ्यूचर गाइस, ये क्या करती है। 6th पर आती है गाइस टीम मेगास्टार्स। मेगास्टार्स ने जो परफॉर्म किया है गाइस पबजी मोबाइल प्रो लीग एंड प्रो लीग फाइनल्स में, मैं देख के फुल स्टन रह गया था कि वो टीम ने एक्चुअली 5th पोजीशन पे थे प्रो लीग में, और प्रो लीग फाइनल्स में देवर एट 3rd पोजीशन। सो हैट्स ऑफ टू मेगास्टार्स कि वो इतने कंसिस्टेंटली खेले। और मेगा वैक्सी का तो क्या कहना गाइस, ही वॉज एट टॉप फ्रैग फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो वो लोग वर्ल्ड लीग के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं, इनको हम ऑल द बेस्ट बोलते हैं फॉर वर्ल्ड लीग, एंड दे विल डू देयर बेस्ट एंड मेक अवर इंडिया प्राउड गाइस। 5th पर आती है टीम सिनर्जी। टीम सिनर्जी का PMPL में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, वो 4th टीम थी विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रैग्स, और इनको वर्ल्ड स्लॉट मिल गया था PMPL में ही। PMPL फाइनल्स में भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, इन्होंने 4 चिकन डिनर लिए जो सबसे ज़्यादा चिकन डिनर थे इस PMPL फाइनल्स के। और इनके प्लेयर्स ने लाइक 1v4 1v3 क्लच किया फाइनल सर्कल में। सो सिनर्जी वॉज द बेस्ट टीम अकॉर्डिंग टू मी, और बहुत अच्छा डेडिकेटेड परफॉर्मेंस दिखाया इन्होंने, और वो भी कंसिस्टेंटली।
अपने 1v3 निकालता, क्या टेड सेम चीज रेप्लिकेट कर पाएंगे? इस बार नंबर्स थोड़ा बहुत फिर भी बैलेंस में है, बट नाउ वो जो एक फोकस फायर वाला फॉर्मेशन होता है वो टीम एक्सट्रीम के पास आ चुका है। अगर दोनों प्लेयर्स एक साथ टेड को स्पॉट कर लेते हैं या फिर एक प्लेयर फायर करनी शुरू करता है और वो हिट मार्कर मिल जाता है तो काफी एडवांटेज होगा। बट यहाँ पे काजी को डाउन किया जाएगा, टेड दोबारा, टेड अभी भी प्रोन डाउन है, लास्ट प्लेयर को निकालने की कोशिश एंड ही डज इट क्वाइट ब्यूटिफुली। टीम एक्सट्रीम एलिमिनेट होती है और सिनर्जी एक बार फिर से उन क्लच मोमेंट्स में जो है चिकन डिनर निकालती है। फोर्थ पर आती है टीम गॉडलाइक। जब से गॉडलाइक का रोस्टर चेंज हुआ है तब से गॉडलाइक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है और उनको एक नया बूट कैंप भी मिला है, शायद इसी वजह से उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा हुआ है। सो PMPL में गॉडलाइक ने थर्ड फिनिश किया है विथ गुड अमाउंट ऑफ चिकन डिनर। सो गॉडलाइक एक अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई है, सो गॉडलाइक इज क्वालिफाइड फॉर वर्ल्ड लीग ऑल्सो। सो लेट्स विश देम कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर वर्ल्ड लीग और गॉडलाइक भी इंडिया का नाम रोशन करेंगे फॉर श्योर। मार्कोस गेमिंग के दो प्लेयर्स बिल्कुल सामने एंड दिस मैन गॉडलाइक के गिल, इनकी टीम बहुत पहले खत्म हो चुकी है बट ये फिर भी अकेले भाग भाग के यहाँ पे अपनी टीम को टॉप थ्री में लेकर आ चुके हैं। वैक्सी यहाँ पे दो डिफरेंट डायरेक्शन में फाइट्स लेने की कोशिश करते हुए, बट किसने कंफर्म किया वैक्सी का वो किल, दैट इज गोना बी अ बिग क्वेश्चन। एंड व्हाट थर्ड पर आती है टीम सेल्स। गाइस टीम सेल्स थर्ड पर इसीलिए मैंने डाला है क्योंकि उनका PMPL में परफॉर्मेंस बहुत एवरेज था, जो कि वो एक न्यू टीम है और उनका परफॉर्मेंस थोड़ा एवरेज रहा है। बट जब वो PMPL फाइनल्स में खेले जैसे एक शेर दहाड़ता है उन्होंने वैसा खेला है, फुल बिना डरे उन्होंने फुल डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाया है विद कंसिस्टेंसी और वो PMPL फाइनल्स के विनर है। इस साल के 2020 PMPL फाइनल्स विनर्स आर टीम सेल्स, सो टीम सेल्स आर थर्ड हियर। सो लेट्स होप कि वो फ्यूचर में भी ऐसे ही खेले और ऐसे ही परफॉर्म करे। दे आर क्वालिफाइड फॉर वर्ल्ड लीग एंड ऑल द बेस्ट टीम सेल्स। उन्होंने वहां पर किया गॉडलाइक एलिमिनेशन और स्मोकी जाते हुए भी भीष्मा के द्वारा चार टीम्स बचती अभी के लिए। सेल्स के रॉक्स के ऊपर थोड़े से शॉट्स आए थे, मेगा स्टार्स के लिए मुश्किलें बन सकती हैं। नंबर्स गेम में यहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन सेल्स दिखाती है, डबल डिजिट पे अपना परफॉर्मेंस लेकर। सेकेंड पर आती है टीम ऑरेंज रॉक। ऑरेंज रॉक का परफॉर्मेंस इतना कंसिस्टेंट और अच्छा रहा है PMPL में, एक्चुअली वो ओवरऑल स्टैंडिंग्स में टॉप पर रहे थे PMPL के और वही एक अकेली टीम है जिसके 10 चिकन डिनर है। उनका जोन होल्ड इतना परफेक्ट है कि लाइक दे नो वेयर द सर्कल विल गो नेक्स्ट, उनका जोन प्रेडिक्शन बहुत सही है और वो जोन होल्ड भी अच्छा करते हैं। टीम ऑरेंज रॉक इज द फाइनेस्ट टीम जो मैं वर्ल्ड लीग में देखूंगा। ऑरेंज रॉक वर्ल्ड लीग के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। फर्स्ट पर आती है TSM NTT। TSM NTT एक ऐसी अमेजिंग टीम है जो एग्रेसिव खेलती है, फुल एग्रेशन के साथ खेलती है। उनके पास सबसे बेस्ट रोस्टर है फैनेटिक के बाद। अगर किसका रोस्टर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो TSM NTT का है। उनके पास क्लच गॉड जॉनथन और NTT घातक जैसा दिमाग, नियो जैसा असोल्टर, इतनी अच्छी टीम है उनके पास। तो TSM NTT को मैं वर्ल्ड लीग में देखना चाहूँगा कि ये टीम कैसी खेलती है, बिकॉज इस टीम का जो पोटेंशियल है वो इतना अच्छा है कि वो ज़रूर इस साल ट्रॉफी उठा सकती है वर्ल्ड लीग की। सो हम इनको देखेंगे ये कैसा खेलते हैं।